ये है मेरा तुलसी का पेड़ और बहुत अच्छा हो रखा है। इसको ना मैंने पूरा तोड़ा था, ये देखिए सारे तोड़ा था मैंने इसको, और अभी इतना हरा भरा हो गया है। ये एलोवेरा है, जैसे पहले आपकी तुलसी ना बहुत हरी भरी हो, उसके बाद वो धीरे धीरे करके सूखने लग जाए ना बड़ा होके, तो आपको क्या करना है कि उसको ना तोड़ देना है, चारों तरफ से जो तनी सूख रही है या उसको अच्छे से, मतलब उसको बढ़िया से फिर से तोड़ ताड़ देना है, यानी कि मतलब पूरा पौधा ही नहीं लटकाना है जैसे मैंने तोड़ा है ना, आप लोग समझ सकते हैं। तो इस तरीके से आपने भी करना है और फिर से वो हरी भरी हो जाएगी, और इतनी हरी भरी हो जाएगी ना कि बिल्कुल मतलब खुश हो जाओगे। तीनों के तीनों आ रखे थे बाहर मार्केट घूमने के, कौन छीन के ले जाएगा कोई तो पता लग जाएगा। और आइसक्रीम ले लिया है मैंने, और राघव ने अपनी कोन लिया है उसकी फेवरेट आइसक्रीम, वाटरमेलन ले आई मैं, हाँ, और दूध भी लेके आए हम। अभी तेरे की तरह चलते हैं सोसाइटी के अंदर। राधे राधे, जय श्री कृष्णा दोस्तों। आज पापा आने वाले हैं और आज मैं और मम्मी और इसको भी रखते हैं सुखाने धूप में, धूप में। और अभी हम दोनों के दोनों जा रहे हैं छत पे, क्योंकि मिट्टी का थोड़ा सा काम करना है। मिट्टी का काम यानी मम्मी को उसमें उगाने हैं ढेर सारे क्या पौधे, सब्जियों के, उन सब चीजों के। तो हम छत पे जाएंगे और धूप बहुत अच्छी आ रही है, तो काम करने में मजा भी आएगा। चलो तो ऊपर चलते हैं, और वहाँ पे हम जैसे बोलते हैं ना फर्टिलाइजर बनाने के लिए थोड़ा वो करना पड़ेगा हमें मिट्टी को, और जितना भी वेस्ट होता है फूड वेस्ट उसको अच्छे से मिक्स करेंगे और फिर धूप में रखेंगे, तो फिर वो एक अच्छी सी खाद बन जाती है। तो वही मम्मी बनाने जा रही है आज। राघव रहेगा घर पे बंद कर, पाँच मिनट में बंद कर, हो गया नहीं तो चलो भाई हम दोनों चलते हैं छत पे। ये रही वो खाद जो हमने बनाने के लिए रखी थी ना, हाँ ये हमने पहले से ना फूड वेस्ट के लिए बनाने के लिए रखी थी, इसको निकाल के वाव खाद तो बन गई है ना। बन गई सारी चीजों की खाद, बस इसको अच्छे से मसलना पड़ेगा हमें। इसमें कोकोपीट मिलाएंगे, अंदर है ना कोकोपीट, ये रहा हमारा कोकोपीट। कोकोपीट यानी जो नारियल का होता है ना बुरादा, वो भी देना सूखा नारियल। अरे नीचे सांप को वो लाना पड़ेगा। ये लो आपकी खुरपी, ये थोड़ी सी और मिट्टी मिलाई है, ये पत्थर वत्थर साइड कर देते हैं, ये ना नीचे रखने के काम आएंगे। जो पौधे हम उगाएंगे ना तो उनके नीचे पत्थर की जरूरत पड़ती है, उसमें काम आएंगे। इनको अच्छे से मिक्स कर दे, ये देखो ये थोड़ा सा फूड वेस्ट होगा कोई तो ये भी खाद में तब्दील हो गया है, सड़ गया है ना सारा देख। हाँ अब इसको अच्छे से खुरपी से करेंगे, क्या क्या डाला था सब सड़ गया देखो। बहुत अच्छी खाद बन गई है ना। हाँ ये सारा जितना भी किचन का फूड वेस्ट होता है सारा है। और थोड़ा सा ही फूड कोकोपीट मिलाएंगे, ज्यादा नहीं, इसको मिक्सी में पीसेंगे। हाँ जब ये इसको ना अच्छे से हम अभी धूप में सुखाएंगे। जून में तो पौधे सूख जाएंगे, तो दोनों बालकोनी में रखेंगे नीचे। इसे पानी भी ले आई भर के थोड़ा सा, और हम इन मिट्टियों में डालेंगे, मिट्टी में डालेंगे क्योंकि ये सूखी हुई है ना। देखिए इतनी सुंदर बाल्टियाँ थी ना, क्योंकि बहुत सूखी हुई है ना तो वो कट कट नहीं हो पा रही, टूट नहीं रही है मिट्टी। मिक्स करो, अब इस गमले की मिट्टी भी मिक्स करेंगे, क्योंकि ये सब भी फूड वेस्ट और किचन वेस्ट है ना, तो ये भी खाद बन जाएगा। दूर कम मुश्किल से 4-5 दिनों में बन जाएगा, तो इसको उठा के लेके चलते हैं अभी। तो
अब इस खाद को हम मिला मतलब इस मिट्टी को इसमें मिक्स करते हैं और फिर दो तीन दिनों तक इसको ना ऐसे धूप में रहने देंगे और उसके बाद हम इसको इस बड़े से कट्टे में भरेंगे मिट्टी को और फिर इस संडे जाके अभी तो संडे है आज, जो कमिंग संडे होगा मम्मी पापा वहाँ जाके ले आएंगे ढेर सारे गमले और मंडे ट्यूसडे में मम्मी ये सारा काम कर देगी, है ना, जब हम स्कूल जा रहे होंगे। गाइस हमने इसका भी निकाल दिया और इसके अंदर जितनी हमने कम से कम पूरी लेयर देखो, ये पूरी चाय पत्ती है, ये इधर वाली लेयर और ये है मिट्टी, ये देखो इतनी ज़्यादा चाय पत्तियाँ हैं ना इसके अंदर, ये सब चाय पत्ती है, पूरी लेयर चाय पत्ती की है और उसके नीचे है फिर मिट्टी बहुत नीचे तक। तो अब बताओ इसकी खाद जब बनेगी तो ये बहुत ज़्यादा हेल्दी होगी पौधों के लिए, इसको बोलते हैं ना बहुत ज़्यादा पोषण तत्व मिलेंगे हमारे पौधों को, है ना मम्मी। और आज है संडे का दिन तो दाल चावल मैंने रख दिया है, दोनों बच्चों की छुट्टी है, घर का सारा काम हो चुका है, आज मैंने कुछ और पापा आ जाएंगे टूर से, पहुंच जाएंगे 8 बजे तक और थोड़ा सा ना झाड़ू पोछा करके जैसे ही दोपहर का टाइम होता है यानी कि 1:15 हो रखा है अभी तो दोपहर का टाइम होता है मैं पर्दा लगा देती हूँ, नहीं तो बहुत ज़्यादा हीट आती है, गर्मी आती है, बहुत ज़्यादा तो नहीं मैं कुछ ज़्यादा ही बोल रही हूँ तो इस तरीके से, और इधर बालकनी पूरी खुली है और बहुत चिलचिलाती धूप है बाहर, ये देखिए बहुत ज़्यादा चिलचिलाती धूप है बाहर, अभी धूप होने लगी है और ये पेड़ पौधे ना बहुत अच्छे लग रहे, हवा अच्छी चल रही है, ये सामने शीशम का पेड़ है और इधर पौधों की कटिंग भी बहुत अच्छे से कर रखी है माली भैया ने, और ये वाला पेड़ ना बहुत ज़्यादा ठंडक देता है, अच्छा लगता है मुझे सुबह सुबह उठ के और बाहर आओ और सबसे पहले मंदिर को मैं प्रणाम करती हूँ, अच्छा लगता है, पॉजिटिव वाइब आती है, और ये शीशम का पेड़ बहुत ही अच्छा लगता है, फ्रेश हो जाता है दिमाग तो ये देखिए आज संडे है तो अभी तक तो मैंने पढ़ने बिठा रखा था इनको, जब तक मेरा काम ख़त्म नहीं होता बड़ी शांति होती है इनके एक किनारे बैठने से, तो अभी मैंने इजाज़त दे दी है कि चलो आधा एक घंटा देख लो, तो देख रहे हैं कार्टून दोनों के दोनों, ये देखिए काना का ये हाल है और नहा नहीं रखे दोनों अभी तक, कभी तो 10 दा नहीं है जाना, कभी एक दा भी नहीं तो काना कभी ना गर्मियों में 3-4 बार नहा जाता है एक ही दिन में और कभी लड़ाई भिड़ाई करके नहाता ही नहीं है, तो अभी खाना खाने से पहले इनको नहलाऊंगी, यहाँ पर बेड शीट नहीं बिछाई है आज चेंज करने थे, और आज मैंने थोड़ा सा गमलों का काम किया, सुबह सुबह 5 बजे उठ के ऊपर छत में चली गई है यहाँ भी बेड शीट नहीं है, और मैंने मिर्च भी सुखा दी है तो 2-3 दिन मैंने इन मिर्चों में ना धूप लगा दी है, आज मैं इनको पीसने वाली हूँ, और ये देखिए ये ना ऐसे हो रही है कड़क कड़क, ये देखिए अच्छे से सूख चुके हैं ये मिर्च, और ये ढेर सारी मिर्च हैं, कम से कम 2-3 महीने के लिए तो हो जाएंगी हमारे लिए, पता नहीं उससे भी ज़्यादा हो जाएंगे, ओहो खिकरान आ गया तो इधर ही रख लेते हैं, मिक्सी में पीसूंगी मैं, इस तरीके से खुला भात बनाती हूँ मैं, और ये थड़कने लगे हैं और भूल गई मैं आज गांव के चावलों की भात, गांव के चावलों का भात बनाना, तो इसको थोड़ा सा कम कर देते हैं ऐसे, और जब ये पानी सूख जाएगा इसके ऊपर मैं प्लेट रख दूंगी, ये दाल बन रही है बस तड़का लगाना है इसमें, बाकी मैंने सब कुछ कर दिया, अरहर मलकी की दाल है। तो अभी खाना खाने से पहले सीजन का पहला वाटरमेलन लाई हूँ मैं, यानी कि पहला तरबूज है ये हमारा और अप्रैल से शुरू हो जाते हैं ना तरबूज, वैसे तो कहते हैं कि जब तक बारिश ना पड़े ना, तो कहीं कहीं बारिश तो हो ही गई है, और ये तरबूज ज़्यादा लाल तो नहीं था लेकिन इतना बुरा भी नहीं था, मीठा बहुत हो रहा था और तरबूज आने लग गए हैं ना, तो तरबूज ना मुझे बहुत पसंद है, सबसे ज़्यादा मुझे ही अच्छे लगते हैं, और बाकी इतना नहीं खाते, खाते तो हैं लेकिन इतना नहीं खाते जितना मैं खाती हूँ, अच्छे लगते हैं मेरे को, तो मैं और काना और दोनों बच्चे मतलब तीनों के तीनों हम यहाँ पर काट रहे हैं तरबूज को, और मीठा बहुत था, बहुत मीठा था ये, तो दिल्ली में आने लग गए हैं तरबूज, और ये सीधा शाम की क्लिप है, यानी कि हम थोड़ा देर आराम किए क्योंकि संडे था, और यहाँ पर बच्चों ने कहा कि मम्मी हमारे लिए चिप्स तल दो, तो मैं चिप्स लाई थी उनके लिए साबूदाने के,
क्योंकि आलू के चिप्स से ना फिर अजीब सा हो जाता है और आदत पड़ जाती है बच्चों को, तो फिर वो सही नहीं रहते। इनके गिलास में डाल लिया है इनका मसाला और कॉम्प्लेन डाला हुआ है। तो ये साबूदाने के चिप्स ना बहुत अच्छे होते हैं। चिप्स बच्चों को ना या तो साबूदाने के देने चाहिए, सबसे बढ़िया होते हैं, अच्छे होते हैं, इन पर अजवाइन भी होता है। इतने टेस्टी हो रहे थे ना, बहुत अच्छे हो रहे थे। तो ये काफ़ी बड़े बड़े भी थे, मुझे इतना अंदाज़ा नहीं लगा कि ये इतने बड़े हो जाएंगे फूल के, खूब बड़े बड़े हो जाते हैं। और या तो चावल के, आलू के चिप्स ना थोड़ा सा नुकसान भी करते हैं, वैसे खाने वाले खाते तो हैं लेकिन अच्छे नहीं होते वो इतना बच्चों के लिए, क्या हमारे लिए भी। और ये साबूदाना वाले अच्छे होते हैं। तो शाम को मैंने यहाँ पे शाम को मैं तल रही हूँ, संडे का दिन था, अच्छा लगता है, और थोड़ा सा आराम किया। बाकी दिन तो आराम मिलता नहीं है, ट्यूशन चले जाते हैं बच्चे। और ये देखिए बड़े बड़े हो रहे हैं ना वो, मतलब 3 से 4 ही ये आ रहे हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा तले होंगे मैंने 10 से 15 चिप्स, वो इतने ज़्यादा फूल गए और अच्छे हो रहे थे, टेस्टी हो रहे थे। आप लोग भी ज़रूर ट्राई करना अगर आप चिप्स खाते हो तो, किसी को अच्छे लगते हैं किसी को नहीं। अभी हो रहा है टाइम 6:49 का हो, और हम आ रखे हैं छत पे। जो हमने सुबह काम किया था ना, मैंने और मम्मी ने आके सुबह 5 बजे, तो वो देखने आए हैं हम ऐसे ढक के चले गए थे। बहुत मिट्टी वाला पानी आ रहा है, तो टंकी भी चेक कर लेते हैं हमारी, ये वाली ग्रे वाली है टंकी, इधर तो पानी गिर रहा है सारा। ऐसे करके हमें चेक, तो इस तरीके से टंकी पे चढ़ के हमें चेक करना होता है टंकी को। हमें सब खुली रेंज का, हाँ चिपकली, बस वो तेरे पे ना आए दीदी और के ना। हाँ आज रात को टंकी खाली करेंगे और 5 बजे उठ के मुझे साफ करनी पड़ेगी। 5-6 बजे क्योंकि सारी टंकियाँ भर जाती है ना। हाँ तो मुझे 5 बजे उठ के, हाँ रात को खाली कर देंगे, बाल्टी में पानी भर देंगे, है ना। और उसके बाद सुबह सुबह मुझे 5 बजे उठ के टंकी साफ करनी पड़ेगी और फिर 6 बजे टंकियाँ भर जाती है। हाँ तो अभी हम इसको चेक करते हैं, उठाओ मम्मी। और अभी ये मिट्टी वो करने के लिए रखी थी, ये थोड़ा सा ना धूप में भी थोड़ा सा वो हो जाता है और थोड़ा मॉइस्चर भी बने रहने के लिए हमने ढक दिया था। और थोड़ी थोड़ी मिट्टी छोड़ दी थी ताकि जितने भी बेकार कीड़े होंगे वो मर जाएंगे और बाकी कीड़े नहीं, जो कीड़े तो अच्छे होते हैं नहीं, कुछ बेकार होते हैं ना, तो कुछ कीड़े तो खाक होके उसको एक खाद बनने में प्रोसेसिंग में हेल्प करेंगे। रात में बैडमिंटन भी लाई थी कि हम खेलेंगे, लेकिन मम्मी हमें छत पे ले आई। अब नीचे चलते हैं, नीचे जाके खेलते हैं बैडमिंटन। चलो ये ऐसे क्या कर रहे ऐसे जैसे वो एयर बनाने का कोशिश कर रही है। हाँ एरो, आपकी वजह से हम एक बार फिसल गए थे और हमारे पैर पे यहाँ पे बहुत तेज लगी थी। अच्छा। जैसे कि यहाँ पे छत में ना अच्छी हवा आ रही है, अच्छा लग रहा है, खुला खुला घर छत में तो बहुत गर्मी होती है। हमारी छत में कोई आता है नहीं, हम ही आते हैं, हमारा राज रहता है। नखरे पापा आ गए हैं, पापा आ गए। मैंने क्या बोला, बस पापा आज ही करिए आपकी सेवा दीदी, लेकिन कल से तो फिर लड़ेगी आपसे। आप प्यार कर लो, कोई बात नहीं। मेरे पापा क्यूट है, क्यूट है, बस क्यूट बोलती रहती है अपने पापा को, मेरे को कभी नहीं बोलती क्यूट। मेरा शेर है तो मेरा शेर।